स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज की जो वीडियो रहेगी फ्रेंड्स वो डाई से संबंधित रहेगी, यानी कि किसी डाई पे हम चूड़ी यानी कि थ्रेड डाई के माध्यम से किस प्रकार से बनाते हैं। तो डाई से संबंधित क्वेश्चन आंसर होंगे आज फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वन लाइन ऑफ क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी कि एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसकी अपडेट या नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है डाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जो डाई होती है फ्रेंड्स उसका प्रयोग हम बाहरी चूड़ी काटने के लिए करते हैं, यानी किसी रॉड पर बाहरी चूड़ी काटने के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चेजर डाई किस धातु की बनाई जाती है। तो जो चेजर डाई होती है फ्रेंड्स वो हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है, और चेजर डाई का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें चूड़ियों को साफ करना हो। चेजर डाई को आप फिगर में देख सकते हैं किस प्रकार की चेजर डाई होती है, चूड़ियों को साफ, जंक लगी चूड़ी हो तो उसको साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाई किस धातु की बनाई जाती है। तो जो डाई होती है फ्रेंड्स वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है। ये डाई फिगर में दिखाई गई है, तो ये जो होती है वो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया सॉलिड डाई का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो सॉलिड डाई फिगर में देख सकते हैं इस प्रकार की सॉलिड डाई होती है फ्रेंड्स। सॉलिड डाई का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पुरानी चूड़ियाँ हैं, ख़राब चूड़ियाँ, ख़राब हो गई हैं पुरानी चूड़ियाँ, तो उनको ठीक करने के लिए यानी कि रिपेयर करने के लिए हम सॉलिड डाई का प्रयोग करते हैं। पुरानी चूड़ियों को रिपेयर यानी कि ठीक करने के लिए हम सॉलिड डाई का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सॉलिड डाई स्टॉक को भी कहा जाता है। जो सॉलिड डाई स्टॉक होता है फ्रेंड्स फिगर में देख सकते हैं हम डाई स्टॉक किस प्रकार का है सॉलिड, इसका जो दूसरा नाम है वो बटन पैटर्न डाई स्टॉक है, बटन पैटर्न डाई स्टॉक के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्प्लिट डाई का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जो स्प्लिट डाई होती है फ्रेंड्स उसका प्रयोग हम पूरी गहराई में चूड़ी काटने के लिए करते हैं, यानी कि जहाँ तक हमने होल मारा है या जहाँ तक हमारी रोड पर हमने साइज बनाया हुआ है लास्ट स्टेप तक ये पूरी गहराई में चूड़ी को साफ करके बना देती है, यानी कि पूरी गहराई में साफ एवं सुथरी चूड़ी बनाने के लिए हम स्प्लिट डाई का प्रयोग करते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं फ्रेंड कि स्प्लिट डाई किस प्रकार की होती है और किस प्रकार से इसमें ये पूरी गहराई में अपनी डाई की यानी कि चूड़ी बना देती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाई बीड्स किसे कहते हैं। तो डाई बीड्स फिगर में आप देख सकते हैं इस प्रकार की डाई बीड्स होती है फ्रेंड। डाई बीड्स टू पीस जो डाई होती है यानी कि दो पीसों में वो डाई होती है उसको डाई बीड्स के नाम से जाना जाता है। और टू पीस डाई जो होती है फ्रेंड्स उसका जो प्रयोग है फ्रेंड्स वो बड़े साइज के रोड़ों पर चूड़ी काटने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि टू पीस डाई को एडजस्ट भी किया जा सकता है। टू पीस डाई का प्रयोग हमें अधिकतर कहाँ करते हैं, बड़े साइज के रोड पर चूड़ी काटने के लिए करते हैं। और टू पीस डाई का दूसरा नाम जो है एडजस्टेबल डाई के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो टू पीस डाई को एडजस्टेबल डाई के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डाई नट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो डाई नट फिगर में दिखाया गया है फ्रेंड्स कि डाई नट किस प्रकार का होता है। तो जो डाई नट होता है फ्रेंड्स उसका प्रयोग हम पुरानी चूड़ियों को साफ करने के लिए करते हैं। पुरानी चूड़ियों को जो पुरानी चूड़ियाँ जो हैं पुरानी हो चुकी हैं तो उनको साफ करने के लिए हम डाई नट का प्रयोग करते हैं। तो जो डाई नट होता है फ्रेंड्स उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसी रोड पर जो है पुरानी चूड़ियाँ हैं तो उसको साफ करने के लिए हम डाई नट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया डाई प्लेट किस धातु की बनाई जाती है। तो जो डाई प्लेट होती है फ्रेंड्स वो हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, और फ्रेंड्स इसका जो प्रयोग होता है डाई प्लेट का प्रयोग कितने एमएम से कम पर चूड़ी काटने के लिए करते हैं। तो जो डाई प्लेट होती है फ्रेंड्स उसका प्रयोग 3 mm से कम की रॉड पर चूड़ी काटने के लिए हम डाई प्लेट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्लैंक साइज का सूत्र क्या है। तो किसी रॉड का ब्लैंक साइज निकालना है फ्रेंड्स, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है रॉड का ब्याज बराबर पिच बाई यानी कि बाई 10, पिच बाई 10, या फिर होता है फ्रेंड्स रॉड का ब्याज बराबर 0.1 × पिच। इस फॉर्मूले के रख के फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ब्लैंक साइज का फॉर्मूला, ब्लैंक साइज हम किसी रोड का ब्लैंक साइज ज्ञात कर लेते हैं। फॉर्मूला आप कैलकुलेशन करके देख लेना फ्रेंड्स साइड में, वैसे मैंने छोटा सा कैलकुलेशन करके देख दिखा रखा है, आप इसे देख के सेम टू सेम किसी साइज को रख के आप ब्लैंक साइज ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार का फॉर्मूला रख के। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया है किसी होल में गहराई में लगी रोड पर चूड़ी काटने के लिए किस डाई का प्रयोग करते हैं।
किसी होल पर, पहले से ही होल है फ्रेंड्स, उसमें लगी एक रॉड, होल के अंदर एक रॉड लगी हुई है, उस रॉड पर चूड़ी काटनी है। होल के अंदर एक रॉड लगी हुई है, उस पर चूड़ी काटनी है, तो उसके लिए हम एक्रोन डाई का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10 × 1.5 की थ्रेड काटनी है, यानी कि 10 × 1.5 पिच की थ्रेड काटनी है, तो रॉड का डाया कितना रखेंगे। तो जब भी फ्रेंड्स M10 की थ्रेड काटनी हो तो उसके लिए हम रॉड का डाया 10 mm रखेंगे या फिर 9.9 mm रखेंगे। तो हम एक्चुअल में 10 mm जो है 10 mm रॉड का व्यास रखेंगे, तब हम उसके ऊपर थ्रेड काटेंगे और उसके बाद उसमें जो नट है वो इजीली चल जाएगा। तो M10 × 1.5 की थ्रेड काटने के लिए उसका जो रॉड का डाया होगा उसके लिए हम 10 mm डाया रखेंगे या 9.9 mm रखेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रीमर से संबंधित होगी, यानी कि रीमर से संबंधित वन लाइन ऑफ क्वेश्चन आंसर होंगे, सारे गवर्नमेंट एग्जाम में या ITI के एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे संबंधित रहेगी। तो सामने बेल आइकन ज़रूर दबा लें फ्रेंड्स, ताकि आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अपडेट में।